हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। क्लास 8 का मैथ्स का मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जैसा आपको दिख रहा होगा पैलोग्राम। बट पैलोग्राम में जाने से पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते, क्योंकि पैलोग्राम किसी फैमिली को बिलोंग करता है। दैट फैमिली इज नोन एज क्वाड्रिलेटर। यस, क्वाड का मतलब होता है फोर। तो फोर साइड का जो फिगर बनता है दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटर। और आज हम जो पढ़ेंगे वो उसी फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वाड्रिलेटर क्या होता है? कोई भी चार साइड का फिगर, क्लोज फिगर, यानी कुछ ऐसा, बस जो फोर साइड होनी चाहिए, फाइव साइड्स नहीं होनी चाहिए, उस फिगर को हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटर में सबसे पहले जो टाइप होते हैं पैलोग्राम, जिसके मैं अभी आप बात करूंगा। इसके बाद पैलोग्राम में सब कुछ डिविजन होते हैं, इसे हायरार्किकल मॉडल भी कहा जाता है। सो पैलोग्राम की मैं बात करूं तो पैलोग्राम कुछ ऐसा होता है। ठीक है, पैलोग्राम क्या होता है? ऐसा होता है, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, यानी इसके पैरेलल होगी और ये इसके इक्वल होगी। ये लाइन इसके पैरेलल होगी और इसके इक्वल होगी। सो क्वाड्रिलेटर से पैलोग्राम कैसे बनता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं एंड इक्वल हैं, तो वो फिगर क्वाड्रिलेटर कहलाता है। क्या कंडीशन होनी चाहिए? अपोजिट साइड्स should be parallel and equal, तब हम उस फिगर को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अभी इस वक्त क्वाड्रिलेटर की कंस्ट्रक्शन की वीडियो कंटिन्यूसली डल रही है। अगर आपको सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, आप उसमें जाके सीख सकते हैं। सो इसमें करना क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटर अगर अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं तो वो फिगर क्वाड्रिलेटर कहलाता है। पैरेलल एंड इक्वल होती हैं तो वो फिगर क्या कहलाता है बच्चों? क्वाड्रिलेटर कहलाता है। सो क्वाड्रिलेटर के एक पार्ट होता है रेक्टेंगल और एक पार्ट होता है रोम्बस। अब रेक्टेंगल क्या है? ऐसा कुछ फिगर जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ये भी अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, बट इस केस में एंगल क्या हो जाते हैं? 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बोलूं All rectangles are parallelogram, तो yes, but all parallelogram are rectangle, no. तो rectangle होने की condition क्या होती है? Angle should be 90 degree. वही properties में follow करिए, positions are parallel and equal. That means जो rectangle, जो parallelogram की property है वही rectangle के पास भी है, but इसमें सारे angle क्या होते हैं? 90 degree भी होते हैं, और parallelogram में वो चीज नहीं होती। फिर अगर मैं इनमें कहूं कि ये चारों sides इक्वल है, चारों साइड्स क्या है? बराबर है। अपोजिट साइड पैरेलल तो है पर चारों साइड बराबर है, तो यही सेम फिगर क्या कहलाता है? स्क्वायर। तो स्क्वायर किस में से बना? वो रेक्टेंगल में से बना। रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 होते हैं, स्क्वायर के भी चारों एंगल 90 होते हैं, बट रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। बट अगर उसे एक्सक्यूज करके उसकी अपोजिट साइड या ऐसे दबा के उसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल कर दूं तो चारों साइड को पैरेलल करो तो वो स्क्वायर बन जाता है। अगर वो चारों साइड पैरेलल है, सॉरी इक्वल है, बट फिगर ऐसा है कि अपोजिट साइड पैरेलल तो है बट 90 डिग्री फॉर्म नहीं हो पा रहा, बट चारों साइड इक्वल है, मतलब चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है, बट 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रही है, अपोजिट साइड पैरेलल है, पैलोग्राम में बैठे, तो उसको हम रोम्बस कहते हैं। उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है, दोबारा से रिवाइज करता हूं, क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, दैट फिगर इज नोन एज पैलोग्राम। पैलोग्राम की अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उस फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल है, यानी पैलोग्राम की प्रॉपर्टी है उसके, बट उसके सारे एंगल क्या हो जाते हैं? 90 डिग्री हो जाते हैं। और अगर वो दो अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ 90 डिग्री के साथ साथ अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर कहलाता है। चारों साइड इक्वल है बट एंगल 90 नहीं बन रहा तो वो रोम्बस कहलाता है। क्लियर? ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद एक पैलोग्राम, क्योंकि चार साइड है, एक फिगर कहलाता है काइट, ऐसा एक फिगर। ठीक है, ये काइट है, इसी का एक फिगर होता है कि अगर ये दो साइड ऐसे ना मिल जाए, ऊपर की तरफ मिल जाए, मतलब एक फिगर तो ऐसा है बट इसकी जगह ये ऐसे मिल जाए, तो इसको हम बोलते हैं एरोहेड। मतलब ये जो दो साइड नीचे की तरफ आई थी, ये ऊपर की तरफ चली जाए, तो इसको बोलते हैं एरोहेड, और ये फिगर होता है काइट। कोई डाउट?
इसमें ये साइड इसके इक्वल मानी जाती है, ये साइड इसके इक्वल मानी जाती है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिगर इज नोन एज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये इक्वल होंगे, यानी ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट इसमें एक कंडीशन है कि एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा, कोई भी एक पेयर। आप ट्रेपेजियम ऐसा भी बना सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रेपेजियम, ठीक है। कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होगा तो हम ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। इसके अंदर आप जगह देख पा रहे हो आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम है, वो कौन सा ट्रेपेजियम होता है, अगर ये अपोजिट साइड के साथ ये जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, ये जो दो रह गई पेयर, अगर ये इक्वल हो जाए तो ऐसे ट्रेपेजियम को आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम बोला जाता है। तो अभी तो हमने जो फिलहाल बात करी है वो बात करी है आपके सारे तरीके क्वाड्रेटिक जो आपके सिलेबस में है और जो आगे आने वाले टाइम में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं इसके फंडामेंटल टॉपिक्स पे, जो जिसके चैप्टर हमें सीखना है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के टॉपिक पे हम चलते हैं, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और काफी इंपॉर्टेंट भी रही होंगी। सो पैरेललोग्राम को सबसे पहले जो मैंने अभी आपको स्टडी कराया वो क्या करवाया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पैरेललोग्राम में सबसे पहले स्टडी कराया कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और ये भी दो साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट यानी एक ऊपर और एक नीचे, एडजेसेंट वाली आजू बाजू वाली जो होती है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अपोजिट की कर रहे हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब बराबर भी है और एक समान, यानी एक पैरेलल है, पैरेलल साइड्स आर दो साइड विद नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मतलब बढ़ाते चले जाओ इसे बढ़ाते वो नहीं कटेगी, दैट साइड्स आर नोन एज पैरेलल, इसको बढ़ाओ तो ये भी नहीं कटेगी, तो दीज साइड्स आर नोन एज पैरेलल टू ईच अदर, ओके। आफ्टर दैट जब ये पैरेललोग्राम हो जाता है इसके बीच में आपको एक टर्म सीखना होगा विच इज नोन एज डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल, ओके। तो डायगोनल में एक चीज, अच्छा एक चीज और सीख लो, चलो 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 अगर आपने सीखा ही है, पैरेलल लाइंस है एक एंगल लाइन को कट करिए, तो मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है, इसको भूल जाओ, ये लाइन इनको कट करिए तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये भी एक एंगल बना, ये भी एक एंगल बना, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एंगल्स, ऑब्वियसली बाकी एंगल की बात करेंगे, ऐसे ये दो एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है, क्योंकि लगातार के बीच में ये दोनों भी एडजेसेंट हो गए, ऐसे एंगल का सम 180 होता है, क्योंकि पैरेलल साइड्स में जो एंगल एक ही साइड में और इंटीरियर में आते हैं इन दो एंगल का सम 180 होता है, या हम इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, और इनका दूसरा नाम होता है को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब पैरेलल तो ऐसे भी हो सकती थी सर, ट्रांसवर्सल ऐसे भी हो सकते, बिल्कुल जब भी मैंने बोला ये दो का सम 180 है, ऐसे ये दो का सम 180 है, ऐसे इस वाले दो का सम 180 है, तो ये सारे एंगल का सम, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 निकल के आता है। पहली बात तो ये कि अगर मैं किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को ऐड करूं तो उन दोनों का सम 180 निकल के आएगा, पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। कई बच्चों को अभी भी एंगल के नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उसके नाम समझा दूं कैसे लिखे जाते हैं। मान लीजिए मुझे इस एंगल का नाम लिखना है, इसको या तो हम एंगल ए बोल सकते हैं, या जिस पॉइंट पे बना उसको बीच में लिखो और उसके रैंडमली आजू बाजू वाले, यानी ए को बनाने के लिए डी ए बी भी आ सकते हैं और ए को बीच में लिखे बी ए डी भी जा सकते हैं, तो ये भी इसका नाम है। तो एंगल लिखने के तरीके नाम, एंगल लिखने के नाम आए कि जिस पॉइंट पे बना पहले वो लिख दो, या जिस पॉइंट पे है वो बीच में होना चाहिए और जहां जहां से आप गए हो वो आप लिख दीजिए। अगर मैं ए को बनाने के लिए बी ए डी भी आ सकता हूं या डी ए डी भी आ सकता हूं, तो ये मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनसे मैं एंगल के नाम या एंगल को फॉर्म करूंगा। सो अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो अभी दो प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है, इसको और इसको, एंगल डी और ए को ऐड करूं 180 होगा, ए और बी को ऐड करूं 180 होगा, B और C को ऐड करूं 180 होगा, या C और D को ऐड करूं 180 होगा।
दूसरी प्रॉपर्टी की जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं डायगनल बनाऊं, डायगनल अब देखो एक डायगनल ये भी सकते हैं बच्चे कहेंगे सर ये भी डायगनल है, बिल्कुल अभी हम एक ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एसी दोनों ट्रायंगल्स में कॉम्पोनेंट है, क्योंकि पैरेललोग्राम जब करता है या क्वाड्रिलेटरल में भी अगर आप डायगनल फॉर्म करते हो तो इट फॉर्म टू ट्रायंगल्स। और पैरेललोग्राम में मजेदार बात यह है कि ये दोनों ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट क्या होता है, दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, मतलब इसको फोल्ड करके इस पर रख दूं तो एज इट इज छप जाएगा, उसको ओवरलैप कर जाएगा, उसको ढक देगा, और दैट थिंग इज नोन एज कॉन्ग्रेंट और कॉन्ग्रेंसी। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, कैसे कॉन्ग्रेंट है भैया, बीसी इक्वल टू एबी है पहली बात, एडी इक्वल टू सीबी है दूसरी बात, और एसी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट, क्योंकि अब डायग्राम बना ही लिया आपने तो ये वाले ट्रायंगल में बना लीजिए। तो यहां से मान लीजिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ओ है, तो डायगनल इक्वल हो ये मैं आपसे नहीं कह रहा, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, डायगनल बराबर है ना 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 ना, डायगनल बराबर नहीं है, बट डायगनल बाइसेक्ट करते हैं यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ना 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 ना, दे बाइसेक्ट ईच अदर। देखो दो वर्ड होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बाइसेक्ट ईच अदर, तो मैंने वर्ड यूज करा है यहां पे बाइसेक्ट ईच अदर। तो AO equals to OC, AO क्योंकि AC थी, AO और OC कट गए क्योंकि D भी ने उसे काट दिया, और DO equals to OB भी है क्योंकि उसने उसको काट दिया। तो अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज को रिवाइज करा के बताऊं तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं डायगनल बनाऊं तो जो दो ट्रायंगल बनते हैं दे आर कॉन्ग्रेंट। फोर्थ, इसके बाद हम आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी पे कि डायगनल इंटर सॉरी बाइसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट कई बच्चों को एक समान लगता है, इंटरसेक्ट वर्ड का मतलब होता है काटना, एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, और बाइसेक्ट मतलब होता है जब वो एक दूसरी लाइन को कट तो करती है बट बराबर हिस्से में तोड़ती है, यानी जो एसी लाइन थी ओ की वजह से, क्योंकि ओ कब क्रिएट हुआ जब डी बिंदु से इंटरसेक्ट करा, बट ये जो पॉइंट क्रिएट हुआ इसने उसको बराबर इंटरसेक्ट करा, यानी एओ इक्वल टू ओसी, डीओ इक्वल टू ओबी, क्लियर है या नहीं। सो प्रॉपर्टी रिवाइज करते हैं, ए मेरे साथ बोलिए, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180, ये लिख लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइएगा दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी। दूसरी प्रॉपर्टी थी अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी शायद आपकी बुक में भी नहीं होंगी तो इसको जरूर नोट करिएगा और कमेंट्स पर डालिएगा जरूर, ठीक है, इसी से आपका हमारे लिए प्यार दिखता है और मुझे पता है आप सब मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं, ठीक है। डायगनल divide parallelogram into two equal triangles या two congruent triangles, diagonal intersect each other। तो ये तो बात हो गई आपकी कुछ कुछ थ्योरी की, ठीक है, कॉन्सेप्ट की। अब हम कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमें क्या करना होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे जो हमने सीखा एक्चुअली इसे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है, 11 ग्राम मत पढ़ देना भैया इसे, क्या कहेंगे अरे 11 ग्राम तो सर ने पढ़ाया नहीं, पैरेललोग्राम दो लाइन जो खड़ी है इनका मतलब होता है पैरेलल और जीएम का मतलब ग्राम। तो The measure of one angle of a parallelogram is 80. What are the measure of the remaining angles? तो एक मैं parallelogram बना लेता हूँ, तो order से मान लेता हूँ A, B, C, D, और एक angle को मैं 80 बोल देता हूँ। तो सबसे पहली चीज अगर हम मान ले कि let A is equal to 80 degree, तो angle C equal to 80 होगा नहीं होगा? यहाँ लिख दो opposite angle of parallelogram are equal,
ये रीजन आप दे दीजिए, बताइए फटाफट जल्दी बताइए, कोई डाउट है? अब भैया मैंने बोला ना 880 तो अपोजिट एंगल भी 80, कोई डाउट? इतना ही सिंपल है भैया। नेक्स्ट एंगल ए प्लस एंगल डी। अब कोई बोले सर ए और डी क्यों लिया, ए और बी क्यों लिया, भाई ले लो ठीक है, आप सी भी मिल गया, सी और बी ले लो या सी और डी ले लो, जो बन जाए वो ले लो। 180 और इन एंगल को को इंटीरियर बोलते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। ए कितना दे रखा है 80, एंगल डी यही रखो 180 रहा रखो, एंगल डी को 180। अब कोई भी चीज यहाँ प्लस में, यहाँ कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब ये किसमें है? प्लस में है बच्चों। और प्लस से जब वो चीज उधर जाती है तो क्या बन जाती है? माइनस में बन जाती है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 100। और डी और बी, बी और डी क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरोग्राम आर इक्वल। तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 100। कोई डाउट? बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। आपको बस कॉन्सेप्ट लगाना है, सीखना है। ऑब्वियसली मैथ नीड प्रैक्टिस, तो यस मैथ नीड अ प्रैक्टिस। और आज मैं आपको बताता हूँ वाई, क्योंकि हर टीचर यही बोलता है मैथ नीड प्रैक्टिस, मैथ नीड प्रैक्टिस। अगर मुझे एक बात बताइए, कोई भी प्रैक्टिकल चीज जो आपने करी हो लाइफ में, आपने कब तक करी है उसे? जब तक वो चीज आपके कॉन्शियस माइंड से निकल के सबकॉन्शियस माइंड में ना चली गई हो। तो मैथ्स के कोई क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, आप देखते होंगे कोई जो इंटेलिजेंट बच्चा उसे एकदम इंस्टेंट समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रख ली हैं, वो उसने इतनी आराम से उसे फोकस करा, मेडिटेट करा उस पे, मेडिटेट करा, सोचा समझा, बार बार उसे पढ़ा, ठीक है। जब भी मैं बार बार बोलता हूँ वीडियोस को देखिए आप, क्योंकि वो चीज आपको मेडिटेशन में हेल्प करेगी, उस चीज को आपको समझने में बार बार आपको हेल्प करेगी, ठीक है। और आप बार बार उस चीज को करिए, मेडिटेट करिए, कैसे ये क्यों हुआ, इसी तरीके से क्यों हुआ, पूछिए बार बार, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है कमेंट में प्लीज बताइए, ठीक है। तो जब आप इस चीज को करते हैं तो वो आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। अब मुझे बताओ कोई आपको बोलता है अरे सांस ले ले भाई, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। कोई भी चीज अब आपका नाम अगर कोई बुलाते तो आप पलट जाते हो, बिकॉज वो आपको पता है ये मेरा ही नाम है, ठीक है। कहीं कोई चीज पे चोट लगती है एकदम हाथ लगाते, वो रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। सो वैसे ही मैथ्स की प्रैक्टिस इतनी करो कि नाम पे जगह कोई तुमसे कह दे चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा तो आप फटाफट करके दे दो उसके हाथ पे, ठीक है ना। ओके सो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? टू एडजेसेंट एंगल्स। सो मैंने आपको बता रखा है एडजेसेंट एंगल, जैसे यहाँ पे डी और बी आर एडजेसेंट एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, डी और बी हो सकता है, ए और बी हो सकता है, बी और सी हो सकता है, या सी और डी हो सकता है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ 11 ग्राम में पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बोल क्या बोला मैंने, इक्वल। तो लेट टू एडजेसेंट, लेट टू एडजेसेंट एंगल्स आर एक्स, और वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो मान लेते ए और बी ये इक्वल है और ये एक्स है, ये तो बोला उन्होंने। और मैंने भी क्या बताया, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल का सम कितना होता है? 180। और रीजन क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। तो x प्लस x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, यानी एंगल आया 90, यानी एंगल A और एंगल B दोनों 90 है। और अगर आपसे पूछा नहीं है, उन्होंने बस बोला कैसे बता दो क्या है उन एंगल का, तो 90 है। और अगर मैं बोलूं कि अपोजिट एंगल बराबर होते तो ए सी के बराबर होता था और बी डी के बराबर, यानी चारों के चारों एंगल 90 डिग्री हैं। इसका मतलब या तो ये बात कर रहा है स्क्वायर की या ये बात कर रहा है रेक्टेंगल की, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन वगैरह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले चीज मैंने आपको पैरेललोग्राम में बताया था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती है, इक्वल भी होती है। मान लीजिए एल है, ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है। तो अगर मैं बोलूं पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का मतलब होता है सारी साइड का सम। तो पैरामीटर का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा एल प्लस, यहां से नाम शुरू करो, एल प्लस बी प्लस एल, और फिर यहां से मुड़ गए प्लस बी। तो कितने एल हो गए? 2L, और कितने बी हो गए? 2B।
फिर आप कहोगे ये तो सर फॉर्मूला निकल के आ गया आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो बेटा बच्चों पैरामीटर भी तो रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है, अपोजिट साइड बराबर है, उन्होंने एल ओ बी माना तो कर लिया। यहां पे लेंथ ऑफ ब्रेथ ना लेके आप बोल सकते हो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, क्लियर है? तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सही है? सो पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इनटू फर्स्ट साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड प्लस 6। या आप एक फिगर बना लीजिए, एक 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, तो 5 के अपोजिट ये वाली 5 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, सबको सम कर लीजिए, वही आपका मतलब बनेगा, ठीक है? सो इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है, 22 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है बच्चा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ टू कॉन्सेक्यूटिव एंगल। कॉन्सेक्यूटिव एंगल वर्ड का मतलब एडजेसेंट का एक तरीके से अल्टरनेट पार्ट, अल्टरनेट मतलब सिनोनिम है। तो ये एक एंगल है तो कॉन्सेक्यूटिव उसका नेक्स्ट एंगल, तो अगर ये एक एंगल है तो उसका कॉन्सेक्यूटिव उसका अगला होगा। तो लेट द रेशियो बी एक्स मान लीजिए, तो हमारा फर्स्ट एंगल हो जाएगा एक्स क्योंकि 1x है, और एंगल 2 हमारा हो जाएगा, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है, तो और 2 एंगल हो जाएगा 3x, ठीक है? इतनी बात समझ में? सो हमें पता है कि दो कॉन्सेक्यूटिव एंगल या दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है बच्चों? को इंटीरियर एंगल कितना होता है? कितना होता है? 180 डिग्री। रीजन क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। क्या रीजन होता है? को इंटीरियर एंगल। सो एंगल 1 की वैल्यू एक्स, एंगल की वैल्यू 3x, तो भैया 1x और 3x कितने हो गए? 4x। x को डिवाइड कर लिए, 180 डिवाइड बाय 4, 4 4 जा 16 और आएगा 5, तो 45 डिग्री आ गया, यानी एक एंगल तो 45 डिग्री है, और यानी एंगल 1 तो 45 डिग्री हो गया, और एंगल 2 आपका जो कि 3x है, यानी 3 into 45 वो 135 डिग्री हो गया। एक चीज मैंने अभी आपको बताई थी कि 2 equals to एंगल 4 होगा और एंगल 3 equals to एंगल 1 होगा, और ये क्यों होगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल 2 निकल के आएगा आपका, क्योंकि एंगल 4 निकल के आएगा 135, और इसी तरीके से एंगल 3 निकल के आएगा आपका 45 डिग्री। कोई डाउट? बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस हाँ आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एक्सेल बुक से करा रहा हूँ, और उसकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होगी, आराम से इसे कर रहे होंगे, ठीक है? इसे अच्छे से करना, हाँ टाइम देना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मैथ्स तभी आ पाएगा, ठीक है? आप कहोगे सर कोई ऐसे जादू या ट्रिक बता दो, कोई जादू और कोई ट्रिक नहीं होती, तरीके होते हैं जिससे आप अपने आंसर को रिड्यूस कर सकते हो, बट ऑब्वियसली अगर आप बेस पढ़ के उस पे जाओगे, ट्रिक्स को सीखोगे, सो आपको कोई हिला नहीं सकता। बट अगर आपने सिर्फ ट्रिक्स सीखी है और ट्रिक्स के पीछे का बैकग्राउंड नहीं सीखा, तो बेटा आपको हर कोई हिला सकता है, ठीक है? सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180, यानी पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है 180। One of its side is greater than the other side by 30 centimeter. So मान लेते हैं, let one of the side is x centimeter. तो मैंने एक side को x मान लिया, अब दोबारा से पढ़ता हूं उस लाइन को, one of its side is greater than the other side. तो हमने मानी है एक x, तो दूसरी साइड क्या बोल रहा है? वो greater है। देखो वन ऑफ द साइड, जब या पढ़ते हो वन ऑफ द साइड जो हमें नहीं पता उसकी बात करें, इसका मतलब हमेशा याद रखो इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन मतलब एड, लेस देन मतलब माइनस, किसमें से? अदर बाय 30, कितना है 30, तो अदर साइड कितनी होगी? अदर साइड होगी जो भी आपकी साइड है, ग्रेटर साइड है, ग्रेटर देन एक्स प्लस 30। One of his side मतलब ये other side जो है is मतलब equal to greater मतलब plus कितनी 30, यानी उसमें 30 ज़्यादा है, तो ये other side आ गई। अब मैंने आपको parameter का formula बताया था 2 l plus b बोला था, तो first side को लिख सकते हो आप, और यहाँ क्या लिख सकते हो आप? second side, ठीक है? अब parameter हमें given है 180, 2
फर्स्ट साइड x मानिए, दूसरी साइड x प्लस 30 मानिए, तो 2 से डिवाइड करो तो 90, 2 को ये मल्टीप्लाई में ना इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 180 अपॉन 2, तो 90 आएगा, x प्लस x 2x और ये 30, तो काट दो ये 90 ही आएगा, ठीक है, प्लस का 30 में जाके 90 के साथ माइनस का हो जाता है, और 2x चाहो तो यहां लिखो या चाहो यहां लिखो, दोनों तरफ मत लिख देना भाई, पता करे आज वीडियो देखिए और कहते दोनों तरफ लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू 90 माइनस 60, x इक्वल टू 2 यहां जाएगा डिवाइड होकर 30, तो एक साइड तो आपकी 30 आ गई, अदर साइड मैंने क्या बताई थी, अदर साइड क्या है आपकी, अदर साइड है x प्लस 30, यानी x प्लस 30 दैट कम्स 30 प्लस 30 दैट कम्स 60 सेंटीमीटर, तो एक साइड है आपकी 30 और दूसरी साइड है आपकी 60, अब आंसर चेक करना चाहते हो मेरा आंसर सही आया, पहले तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो 60 और 30 को जोड़ दीजिए कितना आता है 90, और उसको ट्वाइस कर दीजिए, यही है ना फॉर्मूला, दोनों को जोड़ा 90 और 90 का ट्वाइस करा 180, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है 100%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, फाइंड द साइज ऑफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल, वो सिंबल बनाया वन एंगल इज 20 लेस देन द ट्वाइस द स्मॉलर, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, जो इक्वेशन अगर आप देख रहे हो 20 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल मान लेते हैं क्योंकि हमारी इक्वेशन स्मॉलर एंगल की तरफ है, अगर आपको मैं पैरेललोग्राम बताऊं अगर वो कॉन्ग्रेंट नहीं होते तो 90-90 नहीं होते, तो एक बड़ा होता है छोटा होता है और अपोजिट्स इक्वल होते हैं, तो ऑब्वियसली एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स, मैं स्मॉलर एंगल, अरे यार ए मान लो, वरना कहोगे सर तो एक्स ही मानते हैं हमेशा, ए मान लो यार, ठीक है, तो अदर एंगल क्या हो जाएगा, अदर एंगल, अब कंडीशन पढ़िए, इज अदर एंगल इज, इसका मतलब इक्वल टू 20 लेस देन, 20 माइनस करना है बट किसमें से, ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल 2x माइनस 20, ये बात समझ रहे, 20 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर एंगल, जो स्मॉलर एंगल x है उसका दुगना क्या हो जाएगा 20x, ओ सॉरी 2x, उसमें से 20 माइनस करना है, ठीक है, ओके, और मैंने अभी अच्छा a हमने ये माना था ना, ओके, हमने क्या बोला था, ये अगर आपने a माना है तो ये है 2a माइनस 20, तो ये तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2a माइनस 20, तो ये दोनों जो आप एंगल की बात कर रहे हो, एक स्मॉलर और एक दूसरा लार्जर, एक्चुअली ये दोनों एंगल कौन से हैं, ये को इंटीरियर हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल हो सकते हैं, इन दोनों का सम a प्लस 2a माइनस 20, इन दोनों का सम होगा 180, और रीजन आपको पता है, इन सब को इंटीरियर एंगल दिया, आप बोल सकते हो सप्लीमेंट्री जो आपको रीजन लगे लिख दीजिएगा, ये माइनस 20 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 180 प्लस 20, ठीक है, a इक्वल्स टू 180 प्लस 20 200, और ये 3a, तो a इक्वल्स टू आएगा 200 डिवाइड बाय 3, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ये a की वैल्यू आ गई, दूसरा एंगल क्या है 2a माइनस 20, तो 2a माइनस 20 मतलब 2 इंटू 200 डिवाइड बाय 3 माइनस 20, तो ये आएगा 400 डिवाइड बाय 3 माइनस 20, सो 400 ऐसे लेनी है तो 60, तो कितना आएगा 340 डिवाइड बाय 3, डिग्रिया मत लगाना भूलना, तो ये फर्स्ट एंगल है सेकंड एंगल है, इन दो एंगल को आप प्लस करके देखिए, तो अगर अपॉन में 3 अपॉन में 3 है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, मैं करके दिखा था 200 प्लस 340, तो ये आपका आएगा 540 डिवाइड बाय 3, और इसे अगर आप डिवाइड करते हो 5/5 तो ये 180 आता है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि जब आप दो एडजेसेंट एंगल को पैरेललोग्राम के ऐड करते हो तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, सो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आएगा, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, हम आपके साथ शामिल हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें एक फिगर है और एक्स वाई जेड हमें फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 8 अगेन जिसमें सारे एंगल फाइंड करने हैं एक पैरेललोग्राम, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वाले फिगर को करते, तो ए और बी, अगर आप ये जो लाइन दे रखी है ए सी ए बी, ठीक है, ए बी सी डी और ई, अगर आपको ये फिगर दिख रहा है तो अगर मैं ई सी लाइन को इग्नोर भी कर दूं तो ए और बी क्या है को इंटीरियर, तो एंगल ए प्लस एंगल बी
इक्वल टू 180 होगा और इसका रीजन होगा को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल ए है 125, x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 125, जिसका आंसर आपका आएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, मैंने भी आपको बताया था। सो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो क्या है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ए तो 125 है बट जो सी है ये वाई ऑफ 56 को मिला के बनाए, क्योंकि सी एंगल ये पूरा है तो वाई प्लस 56, तो 125 में से अगर मैं 56 माइनस कर दूं वाई आएगा। अब इसको मैं यहां ना लिख के इधर की तरफ लिख रहा हूं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आप वहां कैरी दे देंगे तो ये बचेगा 9 और 6, तो 69 आ गया y। अब ध्यान से देखो ये दो लाइन पैरेलल है, इनको ये लाइन कट करिए जो y है और z है, तो ये y और z फिर से क्या हो गए, को इंटीरियर नहीं हो गए, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और y की वैल्यू आप निकाल के लाए 69, z 180, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब मैंने वो डी वाला फेस नहीं रह दिया, ठीक है, पॉइंट ही रहेगा। सो जेड इक्वल टू 180 माइनस 69, यहां आएगा 1, कैरी देंगे तो 10, 1, और यहां बचेगा आपका 7, 1, 1, तो 111 आपकी जेड वैल्यू है, कोई डाउट, ओके। इसकी बात करते हैं तो एंगल बी डी सी, यानी इसकी बात कर रहा हूं, प्लस एंगल डी सी बी, DCB plus angle CBD equals to 180, और इसे angle sum property भी कहते हैं आप, ठीक है, angle sum property भी कहते हैं, या कहते हैं sum of angle of triangle is 180, ठीक है। अगर आपने भी यही सोचा था तो प्लीज कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है BDC 2x, ये है 5x, ये है 3x, इक्वल टू 180, ये सबका सम होता है 10x इक्वल टू 180, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 180 डिवाइड बाय 10, तो x की वैल्यू आई 18 डिग्री, x कितना है 18 डिग्री, तो बहुत आराम से एंगल c को आप निकाल सकते हो, 5x 5 इंटू 18 दैट्स कम 90 डिग्री, और अगर ये c है तो ये ही a है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल ए कितना आएगा, एंगल ए आएगा आपका 90 डिग्री, ओ सॉरी एंगल ए, हाँ ठीक है। फिर ये दो लाइन पैरेलल है जो कट कर रही है, ठीक है, तो अगर ये 2x है तो इसके ऊपर वाला हिस्सा भी तो 2x ही होगा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, 2x है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा 2x, और अगर ये 3x है तो ये हिस्सा भी क्या होगा 3x। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एंगल बी और एंगल डी दोनों 5x हो गए, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए 90 डिग्री हो गए, ठीक है। और ठीक है, बात समझ आई होगी, एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और ऑब्वियसली इस चैनल को अगर अभी न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट गाइस, आई नो इट, यू लव मी एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, एंड ऐसी वीडियोस के साथ मैं और आता रहूंगा, प्लीज इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट करते रहिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।